नमस्कार, बिजनेस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। मोदी सरकार जल्द ही नौकरी पेशा लोगों को बड़ी खुशखबरी दे सकती है। खासकर प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे लोगों को सरकार के इस कदम से बड़ा फायदा होगा। खबर है कि सरकार सोशल सिक्योरिटी एंड ग्रेजुएटी के नियमों में बदलाव करने की तैयारी में है। विमानन कंपनी एयर इंडिया का खरीदार खोजने के लिए सरकार ने बुधवार को मुंबई में रोड शो किया। एयर इंडिया के रोड शो का मकसद संभावित निवेशकों को नेशनल एयरलाइन की मौजूदा ताकत और बेहतर निवेश परिस्थितियों से अवगत कराना है। पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी ने लंदन की अदालत में जमानत के लिए याचिका दायर की है। नीरव मोदी ने इस बार हेल्थ ग्राउंड पर बेल देने की याचिका लगाई है। सूत्रों का कहना है कि उसने अपने वकील के माध्यम से दी गई याचिका में नीरव मोदी ने खुद को एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार बताया है। एडीबी ने साल 2019 के लिए बांग्लादेश के जीडीपी ग्रोथ अनुमान को 8 से बढ़ाकर 8.1% और भारत के जीडीपी ग्रोथ को 7.2% से घटाकर 6.5% कर दिया था। इसके अलावा इसने 2020 के लिए भी बांग्लादेश के जीडीपी ग्रोथ अनुमान को 8% पर बरकरार रखा है, जबकि भारत के ग्रोथ अनुमान को 7.3% से घटाकर 7.2% कर दिया। Amazon, Apple और Alibaba दुनिया भर की टेक इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा उथल पुथल मचाने वाली कंपनियां हैं। यह जानकारी KPMG की रिपोर्ट से सामने आई है। KPMG ने टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के 740 बिजनेस लीडर्स से बातचीत कर यह रिपोर्ट जारी की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए MSTV के साथ। नमस्कार।